बीती रात बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया की तबीयत बिगड़ गई थी। 75 साल के डालमिया को सीने में दर्द की शिकायत के बाद कोलकाता के बीएम बिरला हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया। उनकी बेटी ने बताया कि इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ है। बीती रात सौरभ गांगुली भी उनका हाल जानने अस्पताल पहुंचे थे। पिछले कई महीनों से उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई जा रही थी, हालांकि बीसीसीआई ने कभी भी खुलकर इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। मार्च 2015 में बीसीसीआई के प्रमुख का पद संभालने वाले जगमोहन डालमिया कई महीनों से बैठकों और सक्रिय कामकाज से दूर हैं। डालमिया की 11 साल बाद बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर वापसी हुई थी।